हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोर्चुला का प्लांट के बारे में। देखिए मेरा प्लांट जी कितने अच्छे से अभी ग्रो कर रहा है और इसमें डेली चार पांच फूल जो है खिले रहते हैं और बहुत सारी कलियां भी इस पर बनी हैं। तो इससे रिलेटेड सभी बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिखा रही हूँ वो वाला प्लांट जो मैंने नर्सरी से इस बार खरीदा है। तो ये मुझे 20 रुपीज़ में मिला था। ये भी देसी वाला है, काफ़ी लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस थी। इसको मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। तो इसको जब भी आप लगाएं, बड़ी सी हैंगिंग बास्केट में लगाएं जो थोड़ी सी गहरी भी हो और चौड़ाई में भी काफ़ी हो, इसको अच्छी स्पेस मिलेगी इसकी रूट्स को फैलने के लिए, तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। उसके बाद कटिंग इसकी लगानी है आपने। तो देखिए मैंने ऐसी भी इसकी कटिंग लगाई है इसी प्लांट की ही तोड़ के, क्योंकि लंबी लंबी ब्रांचेस थी तो उसकी कटिंग तोड़ के मैंने लगा दी है इसी की बास्केट में। तो मेरा प्लांट जो है घना भी बन गया है। तो कटिंग लगानी है तो आप इस तरीके से इसकी छोटी 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 बड़ी जो भी मिले आपको कटिंग, तो इसको ग्रो कीजिए। इन दिनों इसकी कटिंग बहुत ही आराम से ग्रो हो जाती है और एक हफ्ते तक ही इसकी जो कटिंग ग्रो होके अच्छे से चलने लग जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। कोई तामझाम नहीं करना है, ऐसे सिंपल से इसको लगा देना है और डेली इसको पानी देना है। अभी बहुत सारी गर्मी है तो देखिए इसमें बहुत सारी कलियां हैं मेरे प्लांट में। दोनों प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और उसमें कलियां बहुत सारी बन रही हैं। तो आपने जब भी लगाना है, अच्छी जो है गहरी बास्केट में लगाना है, गमले में लगा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे से चलेगा, क्योंकि इसकी रूट्स को फैलने के लिए अच्छी जगह चाहिए होती है। और मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी इसको जो है वेल ड्रेन ही चाहिए होती है। अगर हैंगिंग बास्केट में आप लगा रहे हैं तो उसमें कोकोपीट डाल लीजिए, अगर गमले में लगा रहे हैं तो कोकोपीट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। कोकोपीट तो लाइट वेट बनाने के लिए ही होती है और बास्केट में जो मॉइस्चर है वो बना रहे। तो अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो 20% तक जो है आप मिला लीजिए कोकोपीट, और 50% तक जो है आप गार्डन सॉइल लीजिए, और थोड़ी सी जो है 10% तक डाल लीजिए रेत, और उसके बाद जो है बाकी जो बचा वो फर्टिलाइज़र डाल लीजिए, जैसे बर्मी कंपोस्ट है जो भी आपके पास हो, कोडंग हो वो डाल लीजिए, थोड़ा सा सी भी डाल लीजिए, एप्सम सॉल्ट जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र हो थोड़े थोड़े सभी मिला लीजिए, और DAP हो तो वो भी डाल लीजिए। उससे जो है रूटिंग हमारे प्लांट की अच्छी होती है और फ्लावरिंग को भी जो है बूस्ट करता है। तो अगर आपके प्लांट में इस तरीके से फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसके लिए फर्टिलाइज़र तो देना ही है, साथ में कौन सा देना है वो भी बताऊंगी आगे। उसके साथ साथ आप जो है डेली इसको पानी दीजिए और साथ में अच्छे से धूप दीजिए जो जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए मैं अपने प्लांट को 4-5 घंटे की धूप देती हूँ डेली, 1-2 बार जो है पानी देती हूँ जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तब इसमें देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ है और इतने अच्छे से इसमें फूल खिल रहे हैं। तो आइए फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। देखिए ये है DAP, मैंने भी अपने प्लांट को अभी तक नहीं दिया है। तो ये फ्लावरिंग बूस्ट करता है, तो ये थोड़ा अगर आपके पास है तो आप अपने प्लांट में दीजिए थोड़ा गमले के हिसाब से। तो देखिए मेरा ये प्लांट है, ये मैंने सुबह वीडियो बनाई थी तब फूल खिले नहीं थे। तो देखिए इस तरीके से आप इसमें थोड़े थोड़े दाने जो है गमले के साइज़ के हिसाब से थोड़े थोड़े दाने इसमें डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको डालने के बाद में आपने रेगुलर जो है पानी देना है अपने प्लांट को, प्लांट को सूखा नहीं रखना है, तो नहीं तो प्लांट जो है क्योंकि ये हीट पैदा करते हैं ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं, तो उसके लिए आप जो है इसको इस तरीके से पानी भी देना है कि अच्छे से इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल भीग जाए, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो तो नीचे की ओर, देखिए मेरी भी बास्केट से नीचे की ओर जो है पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। तो डेली आपने इसके गमले की जो मिट्टी है वो सूखने नहीं देनी है। तो फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो है पानी का और धूप का भी ध्यान रखना है, तब प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। तो देखिए इस तरीके से इसमें फिर फूल खिलते हैं। तो मेरे से किसी ने पूछा था कि इतनी गर्मी में भी आपके प्लांट जो है कैसे हरे भरे रहते हैं, तो पानी का ध्यान रखिए डेली अपने प्लांट को जो है इतनी गर्मी में 1-2 बार या जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है पानी दीजिए। तो इसको जो है मैं डेली तो पानी देती हूँ, कभी कभी 2 बार भी देना पड़ता है, तो पानी की रिक्वायरमेंट इसको पूरी कीजिए तो अच्छे से ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करता है। धूप तो चाहिए ही इसको 4-5 घंटे की, तो फिर ये प्लांट जो है आपको फूल भी देगा, और कटिंग कैसे लगानी है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो इतना इजी ग्रोइंग प्लांट है इस, और साथ में ये हैवी फीडर भी है। तो डेली आप जो है जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र हो इसको हर महीने थोड़ा थोड़ा दीजिए और डेली पानी दीजिए, अच्छी धूप में रखिए, तो आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छे से ग्रोथ होगी। तो कटिंग लगा लगा के आप इसको बुशी भी बना सकते हैं, और उसमें इस तरीके से आपके प्लांट में एक से ज़्यादा जो है फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलेगी।
पेस्ट अटैक की बात करूँ तो इसमें कभी कभी मिली बग्स लगते हैं, तो अगर आप प्लांट का डेली ध्यान रखेंगे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।